कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। कभी पुलिस का रौद्र रूप सामने आता है तो कभी वो पुलिस दयाबान बन जाती है। पुलिस की डंडे मारते हुए तस्वीरें तो खूब वायरल हुई, लेकिन बेंगलुरु की सहायक पुलिस आयुक्त तबरक फातिमा ने अनोखे रूप से लोगों को समझाने का काम शुरू किया और उनकी इस पहल का नतीजा ये निकला कि लोग भी उनसे जुड़ते चले गए। दरअसल उन्होंने गाना गाकर लोगों को घर में रहने के लिए आग्रह किया। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बेंगलुरु सिटी पुलिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, अलर्ट, हमारी एसीपी तबरक फातिमा ने इस गाने को एक नया मोड़ दिया, जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। देखें कि सुरक्षित रहना कितना आसान है। बता दें कि वीडियो में एसीपी एक सोसाइटी के बीच में खड़े होकर और माइक के जरिए लोगों से बात करते हुए दिखाया गया। वीडियो की शुरुआत में एसीपी ने कहा कि अपना घर मत छोड़ो। वहीं लोगों से वो पूछती है कि क्या उन्हें वो गाना याद है, हम होंगे कामयाब। और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो लोग भी उनसे जुड़ते चले गए। लेकिन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने इस गाने को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने इस गाने की धुन में गाया, हम घर पर ही रहेंगे, खुद को सैनिटाइज करेंगे और हम रोज मास्क पहनेंगे। जिसके आगे वो गाती है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और इसके बाद ये गाना सोशल मीडिया पर छा गया। We shall stay at home, we shall sanitize, we shall wear face masks every day. दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।